अंतरिक्ष से जो सबसे छोटे तारे हैं उनको मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और आगे भविष्य में ये सूरज भी बन सकते हैं। और उन्हीं में से एक है ये आ गया आपका MPS इंफोटेक्निक्स, विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड। सीधे आपको चार्ट पे ले चलते हैं। अपर सर्किट भी लग गया, ये मार्केट बंद नहीं हुई है। 5 करोड़ 35 लाख का वॉल्यूम आया हुआ है इसमें, और चार्ट है वीकली का। डाइवर्जेंस हैं हर जगह, वॉल्यूम आया है काफी समय बाद। तो ये कंपनियां ऐसी हैं, इनको लेके आपको भूल जाना है लंबे समय के लिए। ये आपको 6 महीने में कुछ खास करके नहीं दिखाएंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें 5-10 साल छोड़ दिया तो ये आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट का पूरा जो है बनेगा आपका पैसा। अब जितने एक्स भी हो जाएगी, इसमें इंटरेस्ट तो है बड़े लोगों को खरीदने में, लेकिन अभी कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। 55 पैसे का स्टॉक है, पैनी स्टॉक। अभी देखते हैं मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप 93 करोड़ का है, कर्जा नहीं है, 0.07 कुछ भी नहीं है। और प्रॉफिट में अभी थोड़ा मार खा रही है कंपनी, ईयरली जो है 2019 से लॉस ही लॉस दिखा रही है। कर्जा नहीं है लेकिन प्रॉफिट नहीं, बचत नहीं हो रही, कुछ बचा कुछ नहीं पा रहा। यहाँ पे थोड़े से लॉसेस घटने शुरू हुए, क्वार्टरली में जो सेल है इनकी वो 23 मार्च में ज्यादा रही, जो 3 महीने का होता है। दिसंबर के बाद से फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का है ये, तो इसमें थोड़ी सेल हुई है इनकी, 1 करोड़ की करीब सेल हुई है। फिर सेल भी डाउन हो गई है, मुनाफा नहीं बन रहा है जो इसमें दिख रहा है। ईयरली में भी वही है, पहले 8 करोड़ का लॉस था, अभी 4 करोड़ का लॉस है। और ईयरली में भी जो है, पहले 2018 में इनकी सेल थी 84 करोड़ की, अभी तो 1 करोड़ के आसपास की रह गई। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैसिलिटी एट बेंगलोर, सिलिकॉन वैली एंड अदर वन द गुड़गांव, द आईटी हब साउथ ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। सॉल्यूशन इंक्लूड बिजनेस सॉफ्ट बिजनेस प्रो एंड, मतलब सॉफ्टवेयर की कंपनी है ये, सॉफ्टवेयर की कंपनी है ये। और 2024 में इस इन को जो है ये मोदी गवर्नमेंट आने से भी बेनिफिट्स मिलेंगे, और इनके पास क्या डाटा है। रिटेलर 98%, 2% प्रमोटर। कंपनी अंदर से, इसका मतलब इसका
कर्मचारियों को, कर्मचारी क्या कह लो, प्रमोटर इस कंपनी के जो अंदर के लोग हैं उनको इस कंपनी पे भरोसा है। और डिलीवरी से वो पता चलेगा, 100% डिलीवरी उठाई जा रही है, महीने में भी, हफ्ते में भी और कल भी डिलीवरी ली जा रही है, और बड़ी क्वांटिटी में ली जा रही है। आज 5 करोड़ का वॉल्यूम आया है, बड़े लोगों के द्वारा ही डिलीवरी ली जा रही है। इसमें जो है कम्युनिटी वाले तो कंफ्यूज्ड हैं, मैं तो बाय का ही बोलूँगा। और इनके में क्या बोल रहा, कर्ज ना के बराबर कुछ नहीं, कर्ज बर्ज लॉस, 4 करोड़ का लॉस, लॉस है। काम भी अभी नहीं मिल रहा इनको। तो ये जब फंडामेंटल तो बिल्कुल ही खराब है, लेकिन डिलीवरी उठ रही है। अब या तो कुछ इनको काम मिल रहा है, कोई ऑर्डर आए होंगे इनके पास, कुछ तो बात है। यहाँ 207 करोड़ की कंपनी दिख रही है। पचपन पैसे का है, उसके बाद ये 85 पैसे का अगला टारगेट दिखा रहा है, रेजिस्टेंस कह लो। ₹1.75 का हाई बनाया था इसने। ये क्या आ रहा है, तो रिटेलर भरे पड़े हैं 98%, ये तो उल्टा ही हो गया। पब्लिक के पास 98% है इसका शेयर, तब तो ये आसानी से चलेगा नहीं। अभी 2% मात्र प्रमोटर के पास है। मुझे लगा था कि प्रमोटर के पास 98% है। डीआईएस की कुछ है इसमें खरीदारी, छोटी मात्रा में एफआईएस भी खरीद के गए हैं, प्रमोटर भरा हुआ है इसमें, तो ये समय लेगा। इन प्रमोटरों को जब प्रसाद बढ़ जाएगा तभी तभी ये ऊपर चल पाएगी, और जब कंपनी प्रॉफिट्स दिखाएगी। पहले कितने वॉल्यूम आए, पहले इसमें 8 करोड़ का वॉल्यूम आ चुका है, अभी 5 करोड़ का आया है, उससे पहले कितने हैं? उससे पहले इसमें 50 करोड़ का वॉल्यूम आ चुका है। ये 50 करोड़ का वॉल्यूम कोई भी जो है ना पब्लिक पैदा कर सकती है, ना ऑपरेटर कोई पैदा कर सकता है। ये जब बड़े लोग खरीदते हैं तभी पैदा होता है, और 2022 की जनवरी में ये वॉल्यूम्स दिखे हैं। यहाँ देखते हैं होल्डिंग में एफआईआईस कब आए थे, तो दिसंबर सितंबर में एफआईआईस की खरीदारी दिखती है। चार्ट पे देखते हैं, हाँ तो डाटा पुराने होते हैं, यही समय आए होंगे, देर में सब उन लोग के पास दिखता है। वैसे यही ये समय है जिस समय बड़े लोगों ने
माल उठाया है। शेयर का प्राइस उस समय था करीब 20 पैसे, और 20 पैसे से पहुंचा 1 रुपये 70-75 पैसे तक का, 50 करोड़ का वैल्यू आया था। तो इसका मतलब किसी ने अगर माल उठा के रखा हुआ है इतना सारा, 50 करोड़ शेयर उठाए होंगे तभी तो वॉल्यूम आया इतना, तो उसे भी कुछ ना कुछ इसमें फ्यूचर दिख रहा है। ये थोड़ा रिस्की है कंपनियां, पेनी स्टॉक से छोटा पैसा लगाइए बड़ा पैसा बना के देगा, बदले में क्या लेगा, समय। पेनी स्टॉक की यही खासियत है। और दूसरे जो हैं